Okay, so good morning student. Today we will discuss the assignment. Okay, this is actually the practice session. You have to keep with you copy, scale, pencil, whatever which is required. Okay, also the calculator. Now see, this assignment I have already assigned in Google Classroom. Okay, and this you have to submit. We will solve during the class hour, and you will just submit that, take the scan copy and submit it in the Google Classroom. Okay. So, यहाँ पे तुम लोग को सबमिट करना है सी ओके क्लास असेसमेंट सबमिशन टुडेज डेट इज गिवन ओके सो व्हाट इज द टॉपिक टॉपिक वाज ऑन योर क्या टॉपिक में हम असाइनमेंट दिए थे एनीवन हैव यू गॉन थ्रू दैट पोस्ट टॉपिक था तुम्हारा देखो एयरपोर्ट इंजीनियरिंग और क्या है ग्रीन रोज डायग्राम है okay that means you have to draw a windrose diagram okay we have already solved one numerical based on this windrose diagram in our previous lecture on your runway orientation class okay of the airport engineering today we will try to solve another problem which generally comes in your semester exam ये वाला सेमेस्टर में तुम लोग का दिया रहता है मैक्सिमम टाइम ही अगर विंडोज में आता तो ये वाला ही रहता है ओके सो टुडे वी विल ट्राई टू सॉल्व नाउ देयर आर टू टाइप्स टू क्वेश्चन दिस कम्स अंडर द 15 मार्क्स ओके फर्स्ट इज योर व्हाट इज काम पीरियड 2 मार्क्स का है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2 विंडोज डायग्राम वी नो देयर आर टू टाइप ऑफ विंडोज डायग्राम ठीक है तो दोनों में डिफरेंस क्या है ओके और दिस इज द प्रॉब्लम They have asked you, this is the given data, ठीक है विंडोज डायग्राम ड्रॉ करने के लिए मेनली क्या क्या डाटा लगेगा हम लोग को विंड डिरेक्शन परसेंटेज ऑफ विंड्स एंड वेलोसिटी विंड इंटेंसिटी या वेलोसिटी ठीक है अब ये डिपेंड कर रहा है कि तुम्हारा क्वेश्चन के ऊपर कौन सा टाइप हम लोग ड्रॉ करेंगे बोलेगा नहीं ये टाइप वन करो या टाइप टू कुछ बोलेगा नहीं सिर्फ बोलेगा विंडोज डायग्राम ड्रॉ करो लेकिन वी हैव टू सी द डाटा दे हैव गिवन फिर उससे हम लोग कंक्लूड करेंगे कि हम लोग को टाइप वन से बोला गया है या टाइप टू से बोला गया है ओके तो ये जो डाटा है देखो इसमें दिस वी विल यूज फॉर टाइप वन डाटा ओके टाइप वन विंडोज डायग्राम में हमको ये वाला डाटा चाहिए ऐसा अगर डाटा दिया रहेगा कि व्हाट इज विंड डायरेक्शन एंड व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द विंड इन दैट पर्टिकुलर डिरेक्शन ओके तो अगर ये दो डाटा रहेगा देन वी कैन यूज टाइप वन टाइप टू के लिए एक्स्ट्रा और डाटा लगेगा दैट इज व्हाट दैट इज योर इंटेंसिटी भी एक्स्ट्रा लगेगा ठीक है लेकिन यहाँ पे सिर्फ तीन में से सिर्फ दो डाटा दिया है सो वी हैव टू यूज टाइप वन अगर और एक डाटा दे तो तुम्हारे ऊपर है वो टाइप वन भी कर सकते हो या टाइप टू भी कर सकते हो ओके सो यहाँ पे और बोला गया है ऑल्सो कैलकुलेट द विंड कवरेज आफ्टर बेसिकली व्हाई वी आर यूजिंग विंडोज डाटा किसी को पता है विंडोज डाटा क्यों हम यूज करते हैं is the objective of windrose diagram to alignment runway alignment yes to find the runway orientation or runway alignment matlab ki dekho hum log ka to bahut sara direction hai right different direction se different types ka tumhara velocity ka wind aata hai wind flow aata hai so wind plays very important role right in your take off and landing process ye bhi hum log discuss kar chuka hai so जिस डिरेक्शन में ज्यादा विंड होगा हमको ऑब्वियसली उसी डिरेक्शन या उसी ओरिएंटेशन में तुमको अलाइनमेंट करना पड़ेगा रनवे को राइट क्योंकि रनवे में तुम्हारा टेक ऑफ लैंडिंग होता है राइट इसीलिए विंड रोज डाइग কতক্ষণ অফ ছিল
अच्छा तो हम लोग कहाँ पे थे कि ये विंडोज डायग्राम क्या करना है. ओके सो ओरिएंटेशन, विच ओरिएंटेशन इज बेस्ट फॉर आवर रनवे ओरिएंटेशन, रनवे अलाइनमेंट वो करना है एंड ऑल्सो फाइंड द विंड कवरेज. ओके सो विंड कवरेज मेनली क्या हो तुम्हारा ईस्ट वेस्ट बेस्ट ओरिएंटेशन आया एज पर द विंडोज डायग्राम. तो ईस्ट वेस्ट, ओ सॉरी सॉरी, Is it visible now? Yes, ma'am. Okay. So, क्या क्या बोला है? Windrose diagram करके orientation निकालना है और उस particular orientation में throughout the year कितना percentage of wind flow होता है, कितना time, ठीक है? 365 days में कितना दिन in terms of in percentage उस direction से flow करता है, that is the wind coverage, वो निकालना है. Okay. So, let us go to the presentation. मतलब यहाँ पे हमने presentation के हिसाब से किया है. ओके सो दीज आर द डाटा रिक्वायर्ड हम लोग को ये ओरिएंटेशन करने के लिए. ये सब डाटा हम लोगों ने पढ़ चुका है, राइट? वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट. सो डायरेक्शन प्लेज द वेरी इंपॉर्टेंट रोल, डायरेक्शन ऑफ द विंड, ठीक है? तो डायरेक्शन विंड, इसीलिए हम लोग विंड डायरेक्शन के पर सपोज नॉर्थ डायरेक्शन से इतना परसेंटेज ऑफ विंड आ रहा है, ये सब दिया गया है डाटा में. ओके तो जो एकदम फेस टू फेस आता है उसको हेड विंड बोलते हैं एंड दिस प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टेक ऑफ के टाइम में भी ये इंपॉर्ट करता है. ये देखो टेक ऑफ के टाइम में भी एक लिफ्ट देता है और लैंडिंग के टाइम में भी ये रेजिस्टेंस देता है, जिससे कि विद इन शॉर्ट पीरियड या शॉर्ट लेंथ, ये अगर कम लेंथ में भी ये आके रुक जाएगा, ये कम लेंथ में ट्रैवल क्या ग्राउंड स्पीड गेन करके भी ये उड़ सकेगा, ठीक है? और ऑब्वियसली हमको रनवे का लेंथ भी इकोनॉमिक रखना है, ज्यादा लंबा नहीं रखना है. ओके हेलो, हां जी मैम. अच्छा सो टेल विंड है ये वाला, ठीक है? और ये है दिस टू विंड्स आर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट. ओके और क्रॉस विंड है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन. तो क्रॉस विंड आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके जब ओरिएंटेशन ऐसे जगह पर देना है रनवे को, ऐसे जगह पर ओरिएंट करना है जहां पे ये विंड का क्रॉस विंड कंपोनेंट इज वेरी लेस, ठीक है? तो ये वाला टर्म तुमको आएगा. तो क्रॉस विंड का देखो, अगर विंड इस डायरेक्शन में आ रहा है दिस इज कॉल्ड द हेड विंड और इसका साइन कंपोनेंट इज द क्रॉस विंड कंपोनेंट. ओके तो ये मिनिमम होना चाहिए, होगा लेकिन थ्रू आउट द ईयर ये वाला कंपोनेंट कम आना चाहिए इन दिस ओरिएंटेशन. ओके तो अगर होगा तो देखो ये टेक ऑफ में भी तुम्हारा मतलब रनवे से अलग डायरेक्शन में जाएगा, जब लैंडिंग करेगा तब भी अलग डायरेक्शन में आएगा एंड दिस आर द लिमिट्स यू हैव टू रिमेम्बर. ओके तुमको क्वेश्चन में एमसीक्यूज में दिया जा सकता है. ओके नाउ विंड कवरेज हम क्या बोले थे, परसेंटेज ऑफ टाइम इन अ ईयर इन व्हिच क्रॉस विंड कंपोनेंट इज विद इन द परमिसिबल लिमिट. मैक्सिमम कितना लिमिट होना चाहिए क्रॉस विंड, 25 किलोमीटर. मतलब ये जो विंड डायरेक्शन, इस डायरेक्शन से जो विंड आ रहा है उसका मैक्सिमम लिमिट होना चाहिए 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? सो थ्रू आउट द ईयर 25 किलोमीटर पर आवर से कम आना चाहिए, ठीक है? विंड तुम्हारा इस डायरेक्शन में, कभी कभी हो सकता है कि 365 डेज में 365 डेज ही 25 किलोमीटर से कम नहीं रहता है विंड कवरेज. ओके विंड क्रॉस विंड कंपोनेंट कभी कभी ज्यादा हो जाता है. ओके तो जिस टाइम पे तुम्हारा ये कम रहता है, विद इन द लिमिट रहता है, व्हाट इज दैट टाइम, दैट इज एक्चुअली द विंड कवरेज. मतलब उस टाइम हम लोग ये रनवे यूज कर सकते हैं, इजिली यूज कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसका 70% आ रहा है, मतलब 365 डेज का अगर 70% करोगे तो उतना दिन ये यूज करेंगे हम, ये वाला ओरिएंटेशन यूज कर पाएंगे, ठीक है? और बाकी का 30% 365 डेज का 30% वी कांट यूज दिस रनवे ओरिएंटेशन, क्योंकि इस रनवे ओरिएंटेशन में बाकी के टाइम में, बाकी के 30% टाइम में ये क्रॉस विंड क्रॉस कर जाएगा, मतलब 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर से ये वाला स्पीड आएगा क्रॉस विंड से. तो क्या हो जाएगा, ये टेक ऑफ और लैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. तो ओके सो दैट्स व्हाई इन दैट केस अगर ये वाला विंड कवरेज तुम्हारा 90-95% से ज्यादा है तो मतलब क्या है कि सिर्फ 5% मतलब 100 डेज में 95 डेज यूज करेंगे और 5 दिन ये बंद रखना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिन में वो क्रॉस विंड ज्यादा आ रहा है, ठीक है? तो तब ठीक है, तब हम लोग बोलेंगे कि ये वाला ओरिएंटेशन एक अलाइन में एक रनवे करेंगे तो ओके. अच्छा अच्छो तो ठीक है, सो 95 डेज वी कैन यूज, 5 डेज वी कांट यूज, सो ओके दैट अलाइनमेंट इज ओके.
ओके अगर ऐसा हुआ कि 95 से भी कम आया, मतलब कि सपोज 70% आ रहा है विंड कवरेज, मतलब क्या है कि 70 आउट ऑफ 100 डेज 70 डेज ये यूज करेंगे, 30 डेज ये बंद रहेगा, तब क्या करेंगे हम, तब हम और दूसरा ओरिएंटेशन ढूंढेंगे जहां पे तुम्हारा ये 30 डेज हम यूज कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखो दो ओरिएंटेशन है, राइट, तो ये वाला ओरिएंटेशन 70 डेज यूज करेंगे, ठीक है, बाकी के 30 डेज क्या होगा यहाँ पे वी क्रॉस विंड ज्यादा आएगा तो ये बंद रहेगा और तब हम लोग ये वाला यूज करेंगे, मतलब रिमेनिंग 30 डेज वी विल यूज दिस वन, ठीक है, इसीलिए सेकेंडरी रनवे है। ओके तो ये भी विंड कवरेज भी हमको याद रखना है कि 95% से अगर कम है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, नॉट क्या बोलते हैं उसको डिजेबल है, राइट, अगर 95% से ज्यादा है ये वाला विंड कवरेज देन दैट इज द बेस्ट, एकदम सबसे अच्छा ओरिएंटेशन है और ये 95 डेज ही हम लोग यूज कर पाएंगे, 95 डेज या 95 से ज्यादा भी। ओके वेट ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द क्वेश्चन, ठीक है, ये काम पीरियड भी याद रखना, तुमको काम पीरियड पूछा गया है क्वेश्चन में, राइट, व्हाट डू यू मीन बाय द काम पीरियड, काम पीरियड है जब तुम्हारा विंड वेलोसिटी 6 किलोमीटर पर आवर के नीचे जब रहेगा, जिस दिन ठीक है, जिस दिन तुम्हारा विंड वेलोसिटी इज बिलो 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, उस पीरियड को हम लोग बोलते हैं काम पीरियड, एंड जब विंड कवरेज हम एड फाइंड आउट करेंगे तब वी हैव टू एड दिस काम पीरियड ऑल्सो, बिकॉज ये मतलब ऐसा स्पीड रहेगा जो 6 किलोमीटर पर आवर से तुम्हारा कम रहेगा, ऐसा विंड हमेशा फ्लो करता रहेगा, सो दैट इज मतलब वो ऑलवेज प्रेजेंट है, दैट एयर और दैट विंड इज ऑलवेज प्रेजेंट, राइट, हमेशा फ्लो करेगा, सो हमको वो परसेंटेज कितना दिन वो वैसा टाइप का फ्लो कर रहा है वो भी एड करना पड़ेगा इन योर स्पीड। अगर सिर्फ ये दो डाटा दिया गया है तो वी कैन इजीली ड्रॉ टाइप वन, अगर तीन डाटा दिया है आई मीन फॉर टाइप टू वी नीड दिस 3 डाटा, ओके, एंड फॉर टाइप वन दो डाटा से भी काम चल जाएगा। तो क्वेश्चन में हम लोग का जो दिया गया है सिर्फ डायरेक्शन ऑफ द विंड दिया है और ड्यूरेशन इन परसेंटेज दिया है, सो क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है कौन सा विंड रोज डायग्राम, सो वी कैन ड्रॉ टाइप वन यूजिंग दैट डाटा। ओके तो ये है, दिस इज द डिफरेंस, मेन डिफरेंस यही है कि इसमें दो डाटा यूज करेंगे और इसमें 3 डाटा यूज करेंगे। ओके अब आते हैं कि डायग्राम कैसा करना है, ठीक है, तो पहले ऐसा हम कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द इंटेंसिटी परसेंटेज ऑफ विंड फ्लोइंग फ्रॉम पर्टिकुलर डिरेक्शन। सपोज हम लोग का रेंज है 0 से 16% तक, मतलब रेंज है, ठीक है, तो हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे इक्वल कंसेंट्रिक सर्कल्स में। ओके तो ये है 4%, 8%, 12%, 16%। अब इसको हम लोग विंड डिरेक्शन भी तो देना है, दिस सर्कल दिस इज एक्चुअली द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, राइट, ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सर्कुलर ग्राफ है, राइट, तो ये जो ग्राफ ये वाला सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक है दैट रिप्रेजेंट्स योर विंड परसेंटेज ऑफ विंड, एंड जो ये वाला रेडियल लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन। ओके ऐसा करके डायरेक्शन करना है, ठीक है, नाउ वी विल ड्रॉ हाउ टू वी विल ड्रॉ ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्वेश्चन पेपर तुम लोग का वो निकालो, क्या बोलते हैं, कॉपी निकालो, स्केल पेंसिल सब रेडी रखो, ठीक है, रेडी है सबका, ना कि हाँ, नो मैम रेडी नहीं, निकालो, दिस इज द क्वेश्चन, एवरीवन प्लीज कंपास रख सकते हो, ठीक है, अभी रफली करो फिर भी प्रैक्टिस के लिए, अगर कंपास है तो अच्छा होगा, ठीक है, स्केल पेंसिल कंपास ये भी है कॉपी। क्वेश्चन ये है, व्हाट इज द काम पीरियड, समझ में आ गया, तो काम पीरियड इज व्हाट, एनीवन, काम पीरियड क्या है, ड्यूरेशन व्हेन योर विंड स्पीड इज बिलो 6 किलोमीटर पर आवर, दैट इज द काम पीरियड। ओके व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 टाइप 2, टाइप 1 के लिए हमको
कितना डाटा चाहिए, व्हाट आर द डाटा दैट वी मस्ट हैव, इंटेंसिटी लागबे ना टाइप 1 এ, टाइप 1 में डायरेक्शन एंड ड्यूरेशन ओनली, ओके, वेयर इज टाइप 2 डायरेक्शन ड्यूरेशन तो रहेगा प्लस तुम्हारा क्या रहेगा इंटेंसिटी दैट इज द विंड स्पीड, ठीक है, एंड दिस इज आवर क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन मतलब डायरेक्शन ड्यूरेशन दिया है, राइट, ड्यूरेशन मतलब क्या है कि 365 डेज इन अ ईयर, 365 डेज रहेगा उसका अगर 10.3% अगर तुम करोगे, ठीक है, तो सपोज 10% है तो कितना होगा 36.5 डेज, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन से 36.5 डेज विंड आएगा, ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट से इतना परसेंटेज विंड फ्लो करेगा, ओके, सो दिस आर द विंड डाटा गिवन डायग्राम, गिवन द फॉलोइंग विंड डाटा ड्रॉ द विंड रोल डायग्राम टाइप 1 करना है, एंड सो द बेस्ट ओरिएंटेशन एंड आल्सो कैलकुलेट द विंड कवरेज, ओके, सो इफ यू एड ऑल दिस थिंग मतलब कि टोटल चारों तरफ से कितना विंड फ्लो हो रहा है, तो ऐड करने से देखेगा इतना टोटल विंड फ्लो कर रहा है, ठीक है, ड्यूरेशन मतलब 365 डेज में उसका 86.5% विंड फ्लो कर रहा है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ठीक है, विंड कवरेज में हमको ये वाला चाहिए जब वी विल कैलकुलेट काम पीरियड, ठीक है, काम पीरियड क्या हो जाएगा एनीवन, ये वाला ऑल दिस विंड डाटा जो भी है रिमेम्बर दिस इज अबव 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये जो भी डाटा है, ये जो भी डाटा है अबव 6 किलोमीटर पर आवर स्पीड से आ रहा है, यस, सो काम पीरियड क्या होगा टोटल, देखो 6 किलोमीटर पर आवर के ऊपर टोटल कितना आ रहा है थ्रू आउट द ईयर, इतना परसेंटेज आ रहा है, मतलब 100 डेज में 86.5 है अबव 6 किलोमीटर पर आवर, सो व्हाट इज काम पीरियड, तो 100 माइनस वो कर दो 86.5, दैट नंबर ऑफ डेज तुम्हारा विन का स्पीड होगा बिलो 6 किलोमीटर पर आवर, ओके, सो वैसे ही करके तो 100 परसेंटेज माइनस 86.5 विल गिव यू द काम पीरियड, ओके, वो कैलकुलेट करके रख देना है, व्हेन वी कैलकुलेट विन कवरेज तब लगेगा काम, ओके, काम पीरियड भी ऐड कर देना है। नाउ लेट अस ड्रॉ, तो ये वाला क्वेश्चन दिया गया है, तो फर्स्ट हम लोग को क्या करना है, डायरेक्शंस ड्रॉ कर लो, ड्रॉ करो डायरेक्शन नॉर्थ साउथ, ठीक है, इसका परपेंडिकुलरली होगा ऑब्वियसली ईस्ट वेस्ट, राइट, अब इसको और इसको 45 डिग्री में वो कर देना है हमको, ठीक है, 45 डिग्री में कट कर देना है, मतलब हाफ, नॉर्थ ईस्ट का 45 से एक लाइन ड्रॉ करो, नॉर्थ वेस्ट में एक 45 से ड्रॉ करो, ओके, तो ऑब्वियसली नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट रहेगा, ईस्ट साउथ के बीच में साउथ ईस्ट रहेगा, साउथ वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट रहेगा, नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट रहेगा, ये ड्रॉ किया सबने,45 डिग्री का हाफ कितना होना चाहिए 22.5 डिग्री, राइट, अब 22.5 डिग्री में हमको फिर से काटना है, ओके, मतलब हमको फिर से रेडियल लाइन ड्रॉ करना है, क्योंकि देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच में भी ये सब है डाटा, राइट, अब देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के बीच में क्या होगा, कौन सा डायरेक्शन होगा, एक नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट होगा, यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट होगा, लेकिन ये सिंस इट इज क्लोजर टू नॉर्थ तो ये नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड सिंस इट इज क्लोजर टू ईस्ट तो ये है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ओके, तो सिमिलरली देखो साउथ ईस्ट इधर भी है, साउथ ईस्ट इधर भी है, लेकिन ये ईस्ट की तरफ है तो ईस्ट साउथ ईस्ट, ये वेस्ट साउथ की तरफ है तो साउथ साउथ ईस्ट, सिमिलरली साउथ वेस्ट साउथ वेस्ट, अब इसके सामने क्या रहेगा, सिंस इट इज क्लोजर टू ए साउथ सो साउथ वेस्ट, इट इज क्लोजर टू वेस्ट सो इट इज वेस्ट साउथ वेस्ट, क्लियर ये वाला, तो इसमें हम लोग 22.5 डिग्री में अब इसको फिर से डिवाइड कर देंगे, देखो ये पर्पल लाइन क्या है, इसका हाफ है, ठीक है, सो ये 22.5, ये भी 22.5, ऐसा करके कर देना है, हो गया कंप्लीट, हेलो, अच्छा बाकी रखी कुछ हो, अर्पण प्रीतम सागने दीपसानु
प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके अभी करोगे तो सबमिट कर दोगे डायरेक्ट, पेंडिंग नहीं रहेगा. एटलीस्ट आई वॉन्ट दिस 13 पीपल टू सबमिट योर असाइनमेंट. After this class, okay? तो अब क्या करना है हमको, ये हो गया, सबने ये ड्रॉ कर लिया, इतना दूर तक हो गया. होने से बोलो, देन आई विल प्रोसीड. ओके हेलो. तो अब व्हाट वी हैव टू ड्रू, व्हाट वी हैव टू ड्रॉ, ये ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है राइट. तो मतलब दिस इज नथिंग बट द ग्राफ, सर्कुलर ग्राफ है राइट. अब ये रेडियल लाइन हमको हो गया, और एक क्या चाहिए, सर्कल राइट, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हमको ड्रॉ करना है. अब इसका रेंज कहां से लेकर कहां तक होगा, सी फर्स्ट सी फ्रॉम दिस डाटा व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू. कौन सा मिनिमम वैल्यू लग रहा है तुमको, ये लग रहा है 0.3. ओके एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 14.3. सो आवर रेंज मतलब जो सर्कल होगा उसका रेंज कहां से कहां होना चाहिए, 0.3 से 14.3. ठीक है, तो इसको हम राउंड फिगर करके इसको हम रेंज बोल देंगे, 0 से लेकर 15 तक हम लोग को ड्रॉ करना है राइट. रेंज विल बी फ्रॉम मिनिमम विल बी 0, मतलब ये जो सेंटर में होगा जो भी सर्कल इसका रेडियस विल बी 0. ओके और जो मैक्सिमम जो सर्कल होगा उसका रेडियस विल बी 14.3 राइट. तो यहाँ पे हम 14.3 नहीं करके 15 कर देते हैं राउंड फिगर. ठीक है, सो 0 से 15 तक हम लोग का होना चाहिए. So, ये जो होगा स्मॉल एकदम सेंटर में उसका रेडियस है 0, और जो एकदम बाहर में होना चाहिए उसका रेडियस होना चाहिए 15. ठीक है, अब 0 से 15 को तुम बहुत सारा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में भाग कर सकते हो. ओके कोई कोई उसको बोलेगा हम 5 भाग में करेंगे, कोई कोई बोलेगा हम 3 भाग में करेंगे राइट. सो इट डिपेंड्स अपॉन यू ओनली. तो फॉर दिस एग्जाम्पल आई हैव डिवाइडेड दिस रेंज इंटू 3 सेगमेंट. ओके तो फर्स्ट सेगमेंट क्या है, 0 से 5 तक रहेगा, रेंज है तुम्हारा 0 से 5. ठीक है, सेकेंड वाला का क्या होगा, रेडियस विल बी 10, मतलब 5 से 10. ठीक है, और लास्ट जो होगा तुम्हारा टोटल फ्रॉम हियर 0 टू 15, और वी कैन से ये ग्रीन है 10 ब्लू इज 15. सो रेंज इज 0 टू 5, 5 टू 10, 10 टू 15. वी आर डिवाइड दिस इनटू इक्वल इक्वल, देखो ये सब डिस्टेंस इज इक्वल, इसका रेडियस इक्वल है, ये वाला फिर डिस्टेंस इक्वल है, फिर डिस्टेंस इक्वल है. ओके तो कॉन्सेंट्रिक इक्वल कॉन्सेंट्रिक विथ क्या बोलते हैं मल्टीपल टाइम्स ऑफ रेडियस. तो ये 5, ये 10, ये 15. क्लियर, ये वाला ड्राइंग हो गया, हो जाएगा. और ये जो रेंज है तुम्हारा डिपेंडिंग अपॉन द लोएस्ट एंड द मैक्सिमम वैल्यू हमको फिक्स करना है. ओके सपोज तुम्हारा मैक्सिमम यहाँ पे है, सपोज हम लोग बोलते हैं सपोज 10, 10 इज द मैक्सिमम वैल्यू सब में. अगर 10 अगर रहता तो हमको सिर्फ यहाँ तक ही करना पड़ता है, 10 तक ही. ठीक है, या हम बोलते हैं अगर इसका मैक्सिमम सपोज 16 है या सपोज 19 है तो हम रेंज को थोड़ा राउंड फिगर करके 20 तक कर देंगे. ठीक है, सो 5, 10, 15, 20. अगर किसी किसी ने बोला 12 आ गया, मैक्सिमम वैल्यू 12 है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3, 6, 9, 12 ऐसा करके भी कर सकते हैं, या 4, 8, 12 करके भी कर सकते हैं. तो 4, 8, 12 होगा तो 3 सर्कल होगा, अगर 3, 6, 9, 12 होगा तो 4 सर्कल होगा. क्लियर है ये वाला. हेलो. यस मैम. अच्छा सिर्फ एक जन ही आंसर दे रहा, व्हाट अबाउट द अदर्स, प्लीज रेस्पॉन्ड रेस्पॉन्ड करो तुमरा. ठीक है, नाउ लेट अस गो टू द प्रॉब्लम. अब करना क्या है, तो ये ड्रॉ कर दिया हम लोगों ने. ओके नाउ ड्रॉ, अब व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्लॉट आवर ऑर्डिनेट्स राइट. तो ऑर्डिनेट्स क्या है, फर्स्ट ऑर्डिनेट है तुम्हारा डायरेक्शन इज नॉर्थ, ड्यूरेशन इज 10.3. तो कहाँ पे होना चाहिए बोलो,
ये वाला एक्सिस यूज करना है, ये रेडियल लाइन, ये वाला नॉर्थ ही वाला यूज करना है, और तुम्हारा ड्यूरेशन क्या है 10.3, मतलब ये है 5, ये है 10, दिस विल कट 5, ये है 10, 15, राइट? सो 10.3 विल बी समवेयर, यहाँ पे कुछ होगा, फर्स्ट पॉइंट, ओके? दूसरा है तुम्हारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 8.1, मतलब ये वाला लाइन अब जाएगा, ठीक है, उसके बगल वाला, ठीक है, और 8.1, तो इट विल बी बिटवीन समवेयर 5 और 10 के बीच में, ये आई एस्टिमेट, इसीलिए हम बोल रहे थे इसको स्केल में करना है, ओके? स्केल में करोगे तो तुम इजीली इसको प्लॉट कर पाओगे समवेयर हियर, ठीक है, 8.1. दूसरा है 3.9, नॉर्थ ईस्ट में है 3.9, मतलब ग्रेट सर्कल के अंदर में होगा, दिस इज द 5, तो 3.9 समवेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है. ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है कितना 1.8, और नीचे की तरफ जाएगा 1.8. ईस्ट में कितना है 1, और इस तरफ जाएगा, मतलब दिस इज ईस्ट, अब 1 समवेयर यहाँ पे होगा, ठीक है. दूसरा है 0.4, मतलब ईस्ट साउथ ईस्ट, मतलब ये वाला में 0.4, तुम लोग भी ड्रॉ करते जाओ साथ साथ, ओके. साउथ ईस्ट में है 7.1, मतलब ये है 5 10 के बीच में समवेयर 7. यहाँ पे, ठीक है, 1. दूसरा है तुम्हारा 8.7, फिर से वही 5 और 10 के बीच में समवेयर कहाँ पे होगा, 8.7 यहाँ पे हुआ, ठीक है. साउथ में है 14.3, मैक्सिमम है साउथ में 14.3, तो ऑब्वियसली ये अब 10 को क्रॉस करके 15 के टूवर्ड्स जाएगा, ये है 15, ये है 10, तो समवेयर यहाँ पे, ठीक है, 14.3. साउथ साउथ वेस्ट में 10, तो यहाँ पे होना चाहिए साउथ साउथ वेस्ट में 10, ठीक है. फिर 5.7, साउथ वेस्ट में 5.7, मतलब 5.7 समवेयर यहाँ पे हो गया, ठीक है. फिर वेस्ट साउथ वेस्ट में है तुम्हारा देखो 1.6, मतलब समवेयर यहाँ पे होगा, ओके. फिर तुम्हारा है वेस्ट में है 0.5, देखो वेस्ट में 0.5, तो दिस इज वेस्ट 0.5, तो यहाँ पे कुछ होगा, ठीक है. फिर तुम्हारा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 0.3, सबसे कम वेस्ट ये है, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में 0.3, सबसे एकदम और अंदर की तरफ जाएगा. फिर नॉर्थ वेस्ट में 7.2, दिस इज नॉर्थ वेस्ट 7.2, मतलब ये 5 और 8 के 10 के बीच में. फिर नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है तुम्हारा 5.6, तो नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में है 5.6 समवेयर यहाँ पे. क्लियर, प्लॉट कैसे किया हम लोगों ने? हेलो हेलो, ठीक है. अब क्या करना है हमको, नाउ हमको देखो इसको ज्वाइन करना है, वी हैव टू ज्वाइन ऑल दिस पॉइंट विद अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है. स्केल से तुम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो, ज्वाइन करो सब पॉइंट को. यहाँ पे किया, यहाँ पे हुआ हुआ हुआ, ओके. देखो एक ऐसा डायग्राम ये वाला आ रहा है, ओके. तो इस डायग्राम से देखकर तुम लोग बोल सकते हो विच डायरेक्शन विल बी द बेस्ट ओरिएंटेशन. कौन से डायरेक्शन में तुम्हारा अगर रनवे ओरिएंट करोगे, इट विल गिव यू द बेस्ट ओरिएंटेशन एज पर द विंड रोज डायग्राम. मैम नॉर्थ के साउथ, यस. मतलब क्या है कि इस डायरेक्शन में इतना इंटेंसिटी इतना परसेंटेज आ रहा है, इस डायरेक्शन में इतना परसेंटेज आ रहा है. सो इफ वी ऐड दिस नॉर्थ साउथ का अगर हम ऐड करेंगे, वी विल गेट द लॉन्गेस्ट लेंथ, ओके. तो वैसे ही तुमको कभी कभी डायग्राम इतना प्रोमिनेंट नहीं होता कि एकदम एक ही डायरेक्शन में तुम्हारा लग रहा है कि सबसे लॉन्गेस्ट है. कभी कभी होता है कि दो डायरेक्शन में लॉन्गेस्ट आ रहा है. देन इन दैट केस व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव टू टेक द समेशन. मतलब नॉर्थ का जो है तुम्हारा कितना 10.3 है और साउथ का देखो 14.3. इफ वी ऐड वी आर गेटिंग द मैक्सिमम लेंथ, ठीक है. अगर तुमको लग रहा है नहीं ये वाला डायरेक्शन में नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट और साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भी थोड़ा लंबा लग रहा है, तो यू जस्ट सिंपली ऐड द डाटा. नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में कितना है देखो, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में 8.1, फिर साउथ साउथ वेस्ट में है तुम्हारा 10, ठीक है, तो 18.1 आ रहा है. वेयर एज इसमें कितना आ रहा है तुम्हारा 24.6 आ रहा है, राइट. सो ये तो दिख ही रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में ही है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बेस्ट होगा. लेकिन कभी कभी डायग्राम इतना अच्छा भी नहीं होता कि एक ही तुमको लगेगा लॉन्गेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है. तो
दो डायरेक्शन भी आ सकता है. इन दैट केस यू हैव टू टेक द समेशंस. उस डायरेक्शन में जो डायरेक्शन मतलब उस ओरिएंटेशन में जो डायरेक्शन का इंटेंसिटी है आई मीन परसेंटेज है ड्यूरेशन उसको ऐड कर देना है. से फॉर एग्जांपल नॉर्थ साउथ में नॉर्थ और साउथ को ऐड कर दो जो डिस्टेंस लेंथ आएगा दैट विल गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस केस बाकी डायरेक्शन से. ओके सो आवर ओरिएंटेशन विल बी इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. तो ये हम लोगों ने दिखा दिया डायग्राम में हो गया फर्स्ट हो गया राइट. दूसरा क्या बोला है फाइंड द विंड कवरेज ऑल्सो. मतलब कि अगर हम इस डायरेक्शन में करेंगे सो 365 डेज में कितना डेज इस डायरेक्शन से मतलब तुम्हारा विंड फ्लो होता रहेगा. ठीक है विंड फ्लो होगा मतलब और इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 365 डेज में कितना डेज तुम्हारा इस मतलब यहाँ पे क्रॉस विंड कंपोनेंट अपना लिमिट एक्सटेंड नहीं करेगा. ठीक है क्रॉस विंड की वजह से ये धक्का नहीं देगा उस ओरिएंटेशन में राइट. वो भी बोल सकते हैं या दूसरा भी बोल सकते हैं कि इस डायरेक्शन में नंबर ऑफ क्या बोलते हैं ड्यूरेशन और परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ विंड दैट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन वो निकालो दैट इज द योर विंड कवरेज. ओके तो उसके लिए हमको क्या चाहिए फर्स्ट कैलकुलेट द काम पीरियड. वी हैव नोन दैट नॉर्थ साउथ इज अवर बेस्ट ओरिएंटेशन. नाउ कैलकुलेट द काम पीरियड. ठीक है तो काम पीरियड क्या होगा देखो ये 86 अगर इसको ऐड कर दो वी आर गेटिंग 86.5%. मतलब ये जो भी विंड है दिस कितना परसेंट तुम्हारा क्या है किलोमीटर पर आवर है 6 किलोमीटर पर आवर के ऊपर का वेलोसिटी वाला विंड ऐसे ड्यूरेशन में आ रहा है. ठीक है तो टोटल परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन जिसका वेलोसिटी मोर देन 6 किलोमीटर पर आवर है इतना तो 6 किलोमीटर पर आवर से नीचे कितना होगा ऑब्वियसली देखो अबव टोटल ड्यूरेशन ऑफ विंड अबव 6 किलोमीटर पर आवर इज 86.5%. सो काम पीरियड विल बी 100 माइनस एक्स दैट इज 100 माइनस 86.5 13.5 ये कैलकुलेट करके हमको रखना है. वी विल ऐड दिस व्हेन वी विल कैलकुलेट विंड कवरेज. ओके नाउ विंड कवरेज के लिए क्या चाहिए देखो टोटल ड्यूरेशन इतना है काम पीरियड इतना है तो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया है. ओके नाउ आवर ओरिएंटेशन इज बेस्ट ओरिएंटेशन इज नॉर्थ साउथ. ठीक है तो इस नॉर्थ साउथ का हमको ऐड करना ही है इस नॉर्थ साउथ से जो भी परसेंटेज ऑफ विंड आ रहा है. ठीक है परसेंटेज ऑफ ड्यूरेशन ऑफ विंड आ रहा है वो तो हमको ऐड करना ही है. मतलब कि नॉर्थ से कितना दिन आएगा साउथ से कितना दिन आया वो तो ऐड करना ही है. साइड बाय साइड इसके अगल बगल मतलब 22.5 डिग्री लेफ्ट एंड राइट बोथ द केस. ठीक है उस डिरेक्शन से भी कितना विंड आ रहा है वो भी हमको ऐड करना है. सो अगर ये नॉर्थ साउथ है तो नॉर्थ का लेफ्ट में है तुम्हारा नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट राइट में है तुम्हारा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट. साउथ का वेस्ट में है तुम्हारा साउथ साउथ वेस्ट. साउथ का ईस्ट में तुम्हारा साउथ साउथ ईस्ट. तो इस डायरेक्शन से जो इंटेंसिटी आ रहा है इस डायरेक्शन से जो इंटेंसिटी आ रहा है ठीक है और इस डायरेक्शन से जो इंटेंसिटीज आ रहा है सबको ऐड कर देना किसके साथ नॉर्थ और साउथ के साथ. ठीक है तो देखो नॉर्थ का होगा एडिशन विंड कवरेज के लिए. विंड कवरेज मतलब क्या है कि कितना ड्यूरेशन उस डायरेक्शन से आ रहा है फ्लो हो रहा है विंड राइट. सो नॉर्थ से इतना आ रहा है. ठीक है अब नॉर्थ का अगल बगल में क्या क्या है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट है तो ये तीनों तो ऐड करना ही है फ्रॉम नॉर्थ. अब साउथ में भी कितना आ रहा है 14.3. अब साउथ के अगल बगल में है 8.7 10. ठीक है तो वी हैव टू जस्ट सिंपली ऐड. हम क्या बोले थे ये तो ऐड रहेगा ही ऑल दिस ऐड 6 किलोमीटर अबव अबव 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है उसके साथ काम पीरियड भी ऐड करना है मतलब जब विंड वेलोसिटी इज लेस देन 6 किलोमीटर पर आवर तब वो भी रहेगा वो तो हमेशा रहेगा तो वो भी ऐड करना है. ठीक है तो ऐड करके देखो कितना आ रहा है 70.5%. ओके सो दिस इज अगर हम एक हम लोग का कितना होना चाहिए था विंड कवरेज इट शुड बी 95% बट हमको आ रहा है कितना 70.5%. मतलब क्या है कि अगर इस डायरेक्शन में तुम विंड क्या बोलते हैं रनवे ओरिएंट करोगे या रनवे डायरेक्शन ये ले करोगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तो आउट ऑफ 100 डेज कितना दिन यूज करेंगे हम लोग एयरपोर्ट को इस रनवे को कितना डेज यूज कर पाएंगे आउट ऑफ 100 70.5 डेज वी कैन यूज. मतलब उसका सपोज 70 डेज हम यूज करेंगे तो रिमेनिंग 30 डेज इसको बंद रखना पड़ेगा. व्हाई व्हाई क्यों बाकी का 30 डेज क्यों बंद रहेगा ये
मैम ड्यू टू क्रॉसविंड यस ड्यू टू क्रॉसविंड मतलब बाकी का 30 डेज में तुम्हारा क्रॉसविंड 25 किलोमीटर पर आवर के ऊपर चला जाएगा, मतलब अगर यहाँ से तुम लैंडिंग टेक ऑफ करोगे तो ये क्रॉसविंड की वजह से इट विल इसका जो अलाइनमेंट है वो शिफ्ट हो जाएगा, राइट? तो ये उस डिरेक्शन में ये क्या था टेक ऑफ लैंडिंग नहीं कर पाएगा, तो उस दिन हमको बंद रखना है 30 डेज, तो बंद रखेंगे तो ये तो लॉस हो जाएगा, राइट? सो रिमेनिंग 30 डेज हम क्या करेंगे, हम दूसरा ऐसा ओरिएंटेशन और इससे मतलब और ये वाला देखो, सपोज नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट साउथ साउथ वेस्ट में इस डिरेक्शन में हम लोग ले कर देंगे, ठीक है, अपना ये ओरिएंटेशन, फिर इसमें हम लोग को क्या बोलेंगे कि रिमेनिंग 30 डेज हम इसमें दे देंगे, ओके? सो इन दैट वे मतलब ये अगर साउथ इज द ओरिएंटेशन क्योंकि उसमें 70% ऑफ द डेज वी कैन यूज, लेकिन स्टिल इट इज नॉट डिजायरेबल बिकॉज वहां पे 30 डेज इसको बंद रखना पड़ेगा, राइट? So 30 डेज के लिए हमको कुछ दूसरा और एक सेकेंडरी रनवे ओरिएंटेशन या रनवे डिजाइन करना पड़ेगा, ओके? अगर ये 95% से आता ऊपर आता या 95% आता देन दैट इज द बेस्ट, मतलब उस डिरेक्शन में तुम रख दो, बाकी एक्स्ट्रा सेकेंडरी देने का जरूरत नहीं है. इज इट क्लियर? सो योर क्या बोलते हैं काम पीरियड कैसे निकालना है आ गया, और विंड कवरेज कैसे निकालना ये भी आ गया है, ओके? और लास्ट में तुम ये वाला दे सकते हो, लेकिन फिलहाल दे हैव नॉट आस्क यू सो नो नीड टू एक्सप्लेन दिस थिंग, ठीक है? अगर तुम चाहो तो तुम कर सकते हो एक्सप्लेन, दे हैव ओनली आस्क यू द विंड कवरेज काम पीरियड एंड ड्रॉ द डायग्राम एंड फाइंड व्हिच इज द बेस्ट ओरिएंटेशन. क्लियर है? Only 10 स्टूडेंट, बाकी सब चले गए. अच्छा बोलो क्लियर है कि ना? कैन यू सॉल्व लाइक दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम? यस सर. अब देखो ऐसा वाला प्रॉब्लम तुमको कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? कभी कभी क्या देगा देखो, तो कभी कभी दे में गिव यू डिविजन्स, मतलब कि तुमको देगा सपोज नॉर्थ से, ठीक है, 6.5 किलोमीटर से लेकर 20 किलोमीटर पर आवर का कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है? फिर तुम्हारा देगा 20 किलोमीटर से 40 किलोमीटर पर आवर का कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है? मतलब 2% है. और फिर देगा सपोज 25 से 60 किलोमीटर के बीच में कितना बार आ रहा है, 1. सो व्हाट इज द टोटल ड्यूरेशन फ्रॉम द नॉर्थ, 8 + 2 + 1 इज गिविंग 11%. What we have to do, we have to use 11. मतलब कि बीच में और भाग दे देगा, ठीक है? तो you have to add those thing, then you will get the total duration that you have to use for plotting. मतलब ये जो duration यहाँ पे दिया है, कभी कभी इसी के अंडर में 3 भाग दे देगा, ठीक है? 3 भाग को क्या करना है, simply add कर देना and you will get final duration. You have to use that duration and solve same process, okay? यहाँ पे तुमको डायरेक्टली टोटल ड्यूरेशन दे दिया है, कभी कभी टोटल नहीं देगा, भाग दे देगा, तुमको ऐड करके टोटल निकालना है, फिर प्रोसेस इज सेम. क्लियर? ओके, देन ट्राई टू ड्रॉ, रफ करो, जो भी करो लेकिन करो, ठीक है? करके प्लीज सबमिट. ओके, अच्छा कौशिक तुम्हारे डाउट क्लियर? तो कौशिक, प्रीतम, मनिरुल, अर्पण, एटलीस्ट तुम्हारे खाता में चाहिए, शालिनी तुम्हारो मतलब सबारी खाता चाहिए, किंतु तुमरा तो देखे चो, सो आई एक्सपेक्ट ओके कि तुम्हारे खाता तो तुमरा सबमिट कर दे. ओके देन थैंक यू, एक तो तुमरा गिए करो करे सबमिट करे दो. ओके ओके मैम.